हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जो हमारा मॉक टेस्ट 15 हुआ था लाइब्रेरी एग्ज़ाम के लिए, उस टेस्ट के जो है वो एनालिसिस करेंगे, उसके रैंकिंग का डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 9 सितंबर को सुबह 11 बजे से ये पेपर था और 9 सितंबर को 2 बजे तक जो है ये पेपर देने का जो है वो टाइमिंग था, यानी कि 11 से 2 जो है वो 9 तारीख को, कल ही आपने ये पेपर दिया है। अगर हम लोग बात करें अपियर्ड स्टूडेंट की, 7,337 स्टूडेंट्स में से 199 स्टूडेंट्स ने जो है इस पेपर को दिया है। एवरेज स्कोर जो है वो 300 में से 135 ही रहा है, जो कि अदर जितने भी हमारे पेपर्स हुए थे उनसे काफ़ी कम रहा है। ठीक है, एवरेज स्कोर बहुत ही कम है। ग्रेड की अगर बात करें तो बी, ठीक है। मिनट जो है आपने लिए हैं, जो टाइमिंग लिए हैं वो 44 मिनट जो है वो एवरेज टाइमिंग लिए हैं। अगर हम लोग टेस्ट का जो रैंकिंग के हिसाब से अगर एनालिसिस करने की कोशिश करें तो देखिए, ग्रेड ए जो है देखिए कितने कम है। पिछले वाले टेस्ट में जो है ग्रेड ए काफ़ी ज़्यादा थे, ये ग्रेड बी हैं। ग्रेड सी की संख्या कुछ ज़्यादा ही है। ज़्यादा क्या है, मुझे लगता है कि अभी तक का जितना पेपर हुआ है उसमें 3 टाइम्स जो है वो ग्रेड सी हैं, देन ग्रेड डी, ई और ये हमारे ग्रेड एफ वाले जो है वो स्टूडेंट्स हैं। तो हम लोग जो है वो रैंकिंग के हिसाब से जो है वो नाम के हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से एक बार देखते हैं कि कौन कौन जो है वो किस रैंक पे था। देखिए, अगर मैं नाम के हिसाब से जाऊं तो मदन चौधरी हैं जो कि 276 नंबर लेकर के फर्स्ट रैंक पे हैं। ठीक है, दयाराम 270 नंबर लेकर के सेकेंड रैंक पे हैं और रीना चौधरी 266 नंबर के साथ थर्ड रैंक पे हैं। तो ये हमारे जो है वो टॉप स्कोरर हैं, टॉप रैंकर्स हैं, जिन्होंने जो है वो टॉप रैंकिंग जो है वो ली है। आगे हम लोग बात करते हैं इसके बाद के जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या रैंकिंग रही हुई है। सुरेश गुजर 4th रैंक पे हैं, नीलम त्रिवेदी 5th रैंक पे हैं, इंद्राज 6th रैंक पे हैं, चिरिपाल 7th रैंक पे हैं। देन हम लोग आते हैं, अक्षय 8th रैंक पे हैं, गुड्डी डोगीवाल जी अब 1st रैंक आ रहे थे, अभी 9th रैंक पे आए हैं। तो गुड्डी डोगीवाल 9th रैंक पे, गगन गिल 10th रैंक पे। गगन गिल, आई एम सो हैप्पी, अभी आपकी रैंक काफ़ी इम्प्रूव हो गई है तो अच्छा लगा आपको 10th रैंक पे देख करके। सुमन 11th रैंक, गोपाल डोगीवाल 12, सुरेंद्र 13, पीके यादव 14, सुनील विश्नोई 15वीं रैंक पे हैं, पूजा 16वीं रैंक पे, पवन 17वीं रैंक पे, रवि सैनी 18वीं रैंक पे, रमेश कुमार 19वीं, जितेंद्र कुमावत 20, नरेंद्र चौधरी 21, उषा मीणा 22, मुकेश कुमार सैनी 23, सुरेश कुमार 24, पवन स्वामी 25, दाऊद 26। दाऊद आपका परफॉर्मेंस अच्छा है। नौरंगी विश्नोई 27, नौरंगी आपने भी काफ़ी इम्प्रूव किया है, आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, मैंने आपका OMR भी देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। नौरंगी विश्नोई 27, राजेश बागोरिया 28, विजय सिंह 29, मनोज कुमार 30, पुष्पा 31, गौरव 32, हरिमोहन सैनी 33, रोशनी भादु 34, कांता 35, प्रभा 36, सतनाम 37, सुरेश 38, सवाई राम 39, कमलेश 40, दीपक 41, राकेश 42, दिनेश 43, मंजू 44, ईश्वर प्रताप 45, हितवी 46, अन्या 47, समता दाधीज 48, राजू 49, कमलेश यादव 50, प्रियंका 51, सोनिया 52, शिवानी विश्नोई 53, रामदयाल 54, भूवी 55, चंद्रप्रकाश 56, मिलन भट्ट 57, रवि रत्नू 58, मधु मित्रा 59। मधु मित्रा, इस बार आपने इम्प्रूव किया, आपके OMR मैंने देखा था, इस बार आपका रिजल्ट जो है वो मुझे सेटिस्फैक्ट्री लगा। सुनील चौधरी 60, बजरंग विश्नोई 61, शीतल 62, अजय जोशी 63, मनीषा पारिक 64, विनोद 65, अमित 66, वित्रा 67, सुरेश कुमार 68, मनीष 69, गितेश 70, रसपाल 71, प्रकाश 72, कमलेश भास्कर 73, राजू राम 74, रॉकी 75, महेंद्र कुमार गहलोत 76, पवन सिंह 77, समोद सिंह 78, निर्मला यादव 79, सुगना गुजर 80, युवराज सिंह 81, सुमन 82, एस के चौधरी 83, मोतीलाल 84, राकेश 85, सुनील
छियासी, प्रेम डांगी सत्यासी, गौरव टाक अट्ठासी, बजरंग लाल नवासी, करण सिंह नब्बे, नवरत्न गोधारा सॉरी नवरत्न इक्यानवे, रंजना बानवे, कैलाश तिरानवे, मुकेश मीणा चौरानवे, रमेश कुमार यादव पंचानवे, सुनीता गोस्वामी छियानवे, श्रवण बिश्नोई संतानवे, मंजू कुमारी अंठानवे, मयंक दवे निन्यानवे, सुनील बिश्नोई सौ, योगेंद्र 101, हरीश गोयल 102, वीरेंद्र सिंह 103, रेणु दलाल 104, इंदिरा धायल 105, प्रेम 106, एकता कपिल 107, कुमार सुनील 108, कुसुम 109, परमजीत डागोर 110, रामनिवास गोस्वामी 111, आकांक्षा 112, रमेश 113, मुकेश चौधरी 114, कमल किशोर 115, भावना 116, अनुराग 117, ऋषभ 118, गोमती 119, किरोड़ी लाल 120, लालचंद स्वामी 121, इरशाद मोहम्मद 122, तुलसी 123, सुनीता कुमारी 124, अरुण 125, दीपेश राठौर 126, नीरज इंदौलिया 127, शाहरुख खान 128, हर्षा 129, जय नारायण 130, कविता 131, ओम प्रकाश 132, लखन सिंह 133, सीमा कुमारी 134, सुमित्रा 135, मनोज सैन 136, निमिषा 137, अंजलि चौधरी 138, सॉरी निमिषा 138, अंजलि चौधरी 139, सिया राम 140, रामनिवास 141, मोहन 142, नानू 143, नवल 144, संतरा 145, परमेश्वर 146, मनोज 147, ज्योत्सना 148, सुप्रीता 149, सहदेव 150, राजबाला 151, सुमित शर्मा 152, दीपक 153, आशा 154, देवतराम रोड 100 जोगाराम 155, देवतराम 156, रचना 157, सरिता विश्नोई 158, भंवरलाल सैनी 159, नीशा 160, सुमन विश्नोई 161, शिवानी चौरसिया 162, प्रियंका 163, कुसुम 164, पिंकी 165, रामकिशोर 166, वंदना 167, सोनू 168, दिनेश कुमार मीणा 169, अनु 170, बिंदु 171, मीनाक्षी 172, सोनल 173, सनी 174, मनीष 175, सिया 176, सीमा मीणा 177, रेखा 178, अनुराधा 179, कमल चौधरी 180, मनीषा 181, संतोष 182, जगदीश 183, अनु 184, हिमांशु 185, पूनम चौधरी 186, अनीता 187, कोमल शर्मा 188, गिरराज 189, पुष्पा 190, महेश 191, महेंद्र 192, अजय वीर 193, हरीश भादु मुझे नहीं समझ में आ रहा ये आपके साथ क्या हुआ है, दो नंबर आपके कैसे आ सकते हैं, आप हमेशा जो है वो टॉप 10 में जो है वो आने वाले स्टूडेंट हैं, आज आपके दो नंबर आए हैं तो मुझे नहीं पता आपने क्या करा है इसमें। 194 रैंक भीम 195, हेमेंद्र 196, नरेन 197, इंद्रजीत 198 और ऋतु माइनस मार्क्स के साथ जो है वो 199 रैंक पे हैं। तो ये जो है वो बेसिकली हमने रैंक एनालिसिस जो है वो देखा किसका, जो हमारा मॉक टेस्ट 15 हुआ था उसका। ये जो पेपर है, जो लोग स्टार्टिंग से टेस्ट सीरीज करते हुए आ रहे हैं उनको मुझे लगता है ये अच्छे तरीके से करना चाहिए था। जो हम लोगों ने, अगर आपको याद होगा, दिसंबर में जब आपका एग्जाम शेड्यूल हुआ था उस समय पे भी मैंने इस तरीके की टेस्ट सीरीज श्रृंखला जो है वो चलाई थी, जिसमें पांचों यूनिट के हमने अलग अलग भी पेपर रखे थे और बाद में कंपोजिट पेपर भी जो है वो कुछ रखे थे। अदर स्टूडेंट्स जो है वो पेपर क्यों नहीं देते, या तो उनका पेपर देने में इंटरेस्ट नहीं है, मैंने पहले भी बोला था केवल पीडीएफ के लिए आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, पेपर देने में इंटरेस्ट आप लोग का बहुत कम होता है। पीडीएफ अगर मैं प्रोवाइड कराने लगूँ तो आज 7000 के 7000 सारे के सारे जो है वो तुरंत ऑनलाइन आकर के पीडीएफ ले लेंगे,
लेकिन देने की हिम्मत कोई नहीं रखता। जबकि आपको मैंने 200 बार कहा है कि टेस्ट जो है केवल और केवल आपको जांचने के लिए है, आपकी तैयारी को जांचने के लिए है। टेस्ट में अच्छा नंबर लाने से किसी भी तरीके का मैं कोई अवार्ड नहीं देने वाली हूँ, बुरा नंबर लाने में किसी भी तरीके से कोई दंड भी नहीं मिलने वाला है आपको। तो इसमें आप लोग की परफॉर्मेंस सक्रियता जो है आप लोग की बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहरहाल अब आगे का जो टेस्ट है वो आपका यूनिट नंबर 5 से है, तो यूनिट नंबर 5 की आप लोग जो है वो तैयारी अच्छे से कीजिए। और एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, परसों जो है वो मेरे द्वारा एक पोस्ट डाला गया था जिसमें एडमिट कार्ड के लिए मैंने जो है वो पोस्ट डाला था। एक्चुअली हुआ ऐसा था कि कई स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया, कई स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल करके बोला कि मैम एडमिट कार्ड आ गया है क्या, एंड जो फोटोग्राफ मैंने आपको पोस्ट किया था वही इमेज जो है मेरे पास फॉरवर्ड करके कई बच्चों ने पूछा। तो हालांकि मैंने उनको बोला नहीं था, जब मैं RSMSSB की साइट पे गई और मैं कैंडिडेट कॉर्नर पे गई, जैसे ही मैंने खोला तो सेम जो इमेज था वैसे ही मुझे भी दिखा, और दिखा कि उस पर जो है वो एडमिट कार्ड लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd 2018 ऐसे लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने क्लिक किया उसको, बट वो आगे चल के ओपन नहीं हुआ। तो मुझे ये लगा कि या तो मेरे डेटा या तो वीक हो रहा है, वो आगे की साइट खुल नहीं रही है, या साइट पर कुछ काम चल रहा होगा इस वजह से साइट नहीं खुल रही है। तो मैंने आगे का जो है वो नहीं देखा और मैंने वहां तक देखा, तो मुझे लगा इतने सारे स्टूडेंट अगर मुझे स्क्रॉल कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो एडमिट कार्ड आ गया और वहां तक मैं पहुंची तो वो मैसेज भी मैंने देखा था, जो कि बहुत बड़ी एक गलत फहमी थी जिसका शिकार मैं हो गई थी। क्योंकि मैंने अगर आगे खुल गया होता तो एडमिट कार्ड पे मैं शायद डेट देख लेती, दिसंबर का दिख जाता, तो मैं ये पोस्ट नहीं करती। बट उस समय वो खुला नहीं, दिखा नहीं, और जितने भी स्टूडेंट्स इतनी क्वेरी की और उन्होंने मुझे भेजा, तो इस चक्कर में जो है मैंने उसको अपलोड कर दिया और आप लोगों को एडमिट कार्ड के लिए इन्फॉर्मेशन दे दी। और मुझे ध्यान है हरीश सैनी कोई है, उन्होंने मुझे कॉल भी किया था, स्पेशली कॉल किया था कि मैम आपने कहाँ पे देखा, और मैंने फोर्सफुली उनको बोला कि नहीं मैंने साइट पे देख करके ही ये डाला है। और मैंने उनको ये भी बोला था कि साइट पे मैं वहां तक पहुंची थी जहां तक मुझे वो दिख रहा था, और उसके बाद मैंने खोलने की कोशिश की तो एडमिट कार्ड ओपन नहीं हुआ। तो इट वॉज जो भी है वो थोड़ा सा गलत फहमी हुई जिसका शिकार मैं हो गई थी। सो आई एम रियली वेरी सॉरी जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा भी इनकन्वीनियंस हुआ है इस पोस्ट से। और जैसे ही मैंने उसको देखा, आगे खुला और मैंने देखा कि दिसंबर का उसमें पोस्ट दिया हुआ है, तो मैंने तुरंत के तुरंत जो है उसको विड्रॉल कर लिया, उसको तुरंत ही डिलीट कर दिया। तो अगर इनकन्वीनियंस आप लोगों को कहीं से भी हुई है मेरे इस पोस्ट को लेकर के, सो आई एम रियली वेरी सॉरी। ये मेरे तरफ से एक गलत फहमी की शिकार मैं खुद हुई और गलत जो है वो पोस्ट आपके बीच में चला गया। हालांकि मैं बहुत रेस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं, बट ये गलती हुई है तो इसको एक्सेप्ट करने में मुझे कोई बुराई नहीं लगती। आई एम रियली वेरी सॉरी। आप लोग आगे के पेपर्स की तैयारी कीजिए और जैसे भी है फिर 5th यूनिट का हम पेपर करेंगे। ओके, थैंक यू। So much. Bye.